बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं मंजूर नकीबी और आज की अहम अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा आपको बताऊंगा कि कल के जो 404 केस थे वो कौन से शहर में कितने रिकॉर्ड हुए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि साउथ बातना का जो इलाका है उसको सब को दोबारा से क्लोज़ कर दिया है, यानी उसको नए आर्डर आने तक तमाम दुकानें और वहाँ पे जो मशहूर मार्केट है हफ्ता मार्केट उसको भी बंद कर दिया गया है। और कोई भी मवेशी मंडियाँ आजकल ईद की वजह से बहुत ज़्यादा रश में देखी जा रही थी, उनको भी बंद कर दिया गया। और मुतालका अथॉरिटी ने बताया है कि वहाँ पे अब नए आर्डर आने तक तमाम कारोबार बंद रहेगा। सुप्रीम कमेटी के डिसीजन के मुताबिक ये एक्शन लिया गया, ये फैसला उनका है पहले से मौजूद 96/2020। इसके मुताबिक जिस इलाके में भी ज़्यादा गैदरिंग और ज़्यादा वहाँ पे मरीज़ निकलेंगे उस इलाके को क्लोज़ कर दिया जाएगा। तो इसके मुताबिक वहाँ पे तमाम मार्केटें अब नए फैसला आने तक बंद ही रहेंगी। इसमें रुस्ताक भी है, सोहार भी है और बहुत सारे सिटीज़ हैं जो अब क्लोज़ कर दिए गए हैं। आज एक और आदमी 80 साल फोत हो गया है और अब टोटल ओमान में 21 लोग कोरोना वायरस की वजह से फोत हुए। रात को जो आदमी फोत हुआ इसकी उम्र 80 साल थी और ये ओमानी आदमी था। कल जो 404 नए मरीज़ सामने आए थे इनमें 30 औरतें शामिल थीं और बाकी मर्द थे, और इनमें 337 जो हैं वो खारजी लोग थे और 67 लोग इनमें ओमानी थे। और अब तक ओमान में टोटल जो केस हैं वो 5,529 हो चुके हैं और अब तक ओमान में 1,436 लोग सेहतयाब भी हुए हैं। कल जो 404 लोग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया कि नए रिकॉर्ड हुए हैं, इनमें 157 लोग बोशर में रिकॉर्ड हुए और मथुरा में भी 157 लोग रिकॉर्ड हुए। सीप में 43 लोग कल नए रिकॉर्ड हुए और अमारात में 6 नए लोग रिकॉर्ड हुए और सेंट्रल मस्कत में एक नया केस सामने आया। इबरी में 10 नए केस निकले हैं और अब इबरी में 52 टोटल हो गए हैं। दांक में एक नया केस निकला है और यंकूल में भी एक नया केस निकला है। बरका में कल 6 नए केस निकले हैं, मुसन्ना में कल 3 नए केस निकले हैं और रुस्ताक में कल एक नया केस निकला है। अलबरेमी में कल 8 नए केस रिकॉर्ड हुए, टूर में कल 4 नए केस निकले, अलकामल में कल एक नया केस रिकॉर्ड हुआ, समाइल में कल 2 नए केस रिकॉर्ड हुए और इज़की में एक नया केस रिकॉर्ड हुआ, कल मुडेबी में एक नया केस रिकॉर्ड हुआ, सोहाम में एक नया केस रिकॉर्ड हुआ, अंदम में कोई केस रिकॉर्ड नहीं हुआ, अलवस्त में भी कोई केस रिकॉर्ड नहीं हुआ और अलदफार में भी कोई केस रिकॉर्ड नहीं हुआ। अगर जीसीसी कंट्रीज़ की बात करें तो कल सऊदी अरब में 2840 नए केस रिकॉर्ड हुए, कतर में 1547 नए केस रिकॉर्ड हुए और यूनाइटेड अरब अमारात में कल 796 नए केस रिकॉर्ड हुए, कुवैत में 942 नए केस रिकॉर्ड हुए और बहरीन में 73 नए केस रिकॉर्ड हुए और ओमान में आपको पता ही है कि 404 नए केस रिकॉर्ड हुए। अल्लाह ताला इन सब मरीज़ों को जल्दी से जल्दी सेहतयाब करे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।